तो ये जैसे हमारे आंगन में खेल कूद के बड़ा हुआ, किसी कोने में बैठा है अपना घर समझ के या अपने चौक में बैठा, और मतलब एक घर का एक पारिवारिक सदस्य की तरह इसको महसूस हुआ होगा, और एक दिन अचानक ये होता है कि हम इसको उठा के रोड पे छोड़ देते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर, और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आपसे, अमूमन क्या होता है कि ऑलमोस्ट 99% जो गोपालक या गौशाला वाले संचालक या प्राइवेट जो भी चलाते हैं डेयरी फार्म, तो वो इस विषय पर बात करते नहीं हैं। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि जब आप अच्छा कोई कार्य करते हैं देसी गोपालन के क्षेत्र में, तो क्या है कि जो डार्क साइड होती है उसकी, उसके ऊपर भी अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, मतलब पर्सनली आपके ऊपर नहीं लेकिन उस पूरे क्षेत्र पर जो डेयरी व्यवसाय है या जो गौशाला गोपालन है उस पर आरोप लगता है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जो एक उजला पक्ष है, जो जो हमें चकाचौंध वाला दिखता है कि भाई ये ए टू मिल्क है जो 100 रुपीज या उसके अबो बिकता है, इतनी अच्छी कमाई है, वो है शहरों में इसकी अच्छी डिमांड है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो गोपालन में है बछड़ियाँ आती है तो उसमें तो वो गायें बन जाती है, लेकिन आज की जो समस्या है वर्तमान समय की, जब बछड़े आते हैं तो उन बछड़ों का क्या होता है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है मित्रों, ऑलमोस्ट ज़्यादातर गौशालाओं में या प्राइवेट जो डेयरी फार्म है उसमें मैंने देखा है, जो बछड़े हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपनी जो ये डेयरी संचालक है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो उनको आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं एक समय के बाद में जब उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो मित्रों, क्या होता है कि ये हमारी ग्रीड के कारण, हमारे लालच के कारण इनका जन्म हुआ, तो उनका तो दोष है नहीं, ये दोष तो हमारा है। तो उस वजह से हमें क्या इनको भी ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप जो भी कार्य कर रहे हैं जीवन के क्षेत्र में, उसमें कुछ एथिक्स, कुछ नैतिकता होनी बहुत ज़रूरी है। बगैर नैतिकता के आप करेंगे तो क्या होता है कि जो खरीदने वाला है आपके प्रोडक्ट, चाहे आप दूध घी पनीर जो भी है, तो वो क्या है कि आपको एकदम साफ सुथरा अच्छी दुकानों पे, अच्छी शॉप्स पे बिक रहा है, और लेकिन उसके पीछे का जो काला सच है वो सच हमें पता नहीं होता है, या हम देखना नहीं चाहते, कई बार ये भी होता है। तो मित्रों, उस गोपालक से खरीदे जो बछड़े भी पालता हो, या उसका उसका सही, जैसे आज की तारीख में जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि बछड़ों से गोबर से भी हम कमाई करके उसको पाल सकते हैं वगैरह कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मित्रों क्या हर किसी के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। और दूसरी बात ये है कि वो बछड़े अनप्रोडक्टिव होने के कारण कहीं ना कहीं मशीन ही हो गया, लेकिन आप क्या है कि जो बदलाव है उसको रोक नहीं सकते, बदलाव ये सतत चलते रहेंगे, लेकिन बदलाव के हिसाब से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अभी क्या है कि जैसे हम चाहिए कि भाई बैलों से खेती कर ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कुछ छोटे लेवल पे पॉसिबल है लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल है नहीं हिंदुस्तान के बड़े क्षेत्र में या विश्व के बड़े क्षेत्र में। और दूसरी बात क्या कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे धार्मिक विश्वास की वजह से हम क्या कि उनको स्लॉटर हाउस में भी नहीं बेच सकते, कि विदेशों में तो ये होता है कि उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है मांस के लिए, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय जो मेरे को लगा है, सबसे पहला तो वो ये मेरे को जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि आप एक अच्छा बुल प्रयोग करें अपनी गायों पे, उसी नस्ल का जो शुद्धता में अच्छा हो, तो उससे क्या जो अगर आपके बछड़ियाँ आए तो 19-20 अगर क्वालिटी में कम भी आए तो भी वो आप रख लेते हैं, और आगे जा के उसके बच्चे और ज़्यादा उसकी जो प्रोजनी है वो प्योरिटी में आती रहती है, तो वो तो एक अलग विषय है। दूसरा क्या, अगर बछड़ा है तो अगर वो अच्छा प्योरिटी में आएगा, तो अब क्या है कि कोई भी गोपालक अच्छा प्योरिटी वाला, जिसकी माँ का अच्छा दूध हो, ज़्यादा दूध हो, तो उससे क्या है कि आपसे लेने के लिए आएगा। जैसे मैंने अपना बुल मिठूड़ा दिया है, तो उस वजह से मतलब अच्छा है तभी तो लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि अच्छा बुल है या अच्छा बछड़ा है, तो अब उसका आप 1 रुपया भी नहीं ले, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को दे जो सही में गोपालन के क्षेत्र में काम करना चाहता है, या उस गौशाला को जहां आपको लगे कि उसकी अच्छी परवरिश होगी और फ्यूचर में उसको सड़कों पे ऐसे आवारा नहीं छोड़ा जाएगा, और उसका मतलब जीवन एक अच्छा होगा, मतलब उस जगह आपको श्योरिटी होनी चाहिए जहां आपको
अंतरात्मा से कहे कि ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा कर रहा है या संस्था जो भी है, तो वहाँ आप दे, उससे पैसा ना ले, तो उससे क्या होगा कि जो वो संस्था व्यक्ति है वो भी आपका आभारी होगा, और दूसरा वो आपका जो बुल है, जो आपका जो काम कार्य किया हुआ है, वो आगे उनको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा, अच्छे बुल आएंगे। तो ये समस्या धीरे धीरे, क्योंकि एक बहुत ही सतत प्रक्रिया है, आने वाले कुछ सालों में ये मतलब समस्या धीरे धीरे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये नहीं कह सकते 100% ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक। लेकिन क्या होता है मित्रों, जैसे मैं सीमन का रिजल्ट बताऊं, बछड़ा अभी देखिए, ये जो बछड़ा है ये देखिए, इसकी माई पास में खड़ी है, तो उस समय मेरे पास बुल नहीं हुआ करता था, तो ये जैसे कहीं से भी गिर में नहीं है। तो अब इस बछड़े का अब क्या करें, क्यों कि अब ये बछड़ा भाई हमें ज़रूरत थी, तो हमने सीमन डलवाया, और सीमन डलवाने के बाद में क्या कि हमें इसने जो बछड़ा आया तो हमने दूध खाया, उसका दही खाया, उसके मिल्क प्रोडक्ट खाए, तो ये हमारा लालच था, हमारा स्वार्थ था। अब इस बछड़े को इस घर में पैदा हुआ तो ये इसका तो दोष है नहीं, तो क्योंकि ये हमारी वजह से पैदा हुआ है तो इसका भी यहाँ पे हक बनता है। तो अब क्या होता है कि अभी इसको मैं ब्रीडिंग के लिए तो कर नहीं सकता, तो इसको मैंने क्या है कास्ट्रेट करवा दिया। ऐसे बछड़ों को क्या, हालांकि ये कुछ लोग इसको सही नहीं मानते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर गोपालन के नज़रिए से देखा जाए, अच्छी ब्रीड तैयार करने के नज़रिए से, तो जो ये जैसे मिक्स ब्रीड के आ जाते हैं या इस टाइप के जो आ जाते हैं, जो जिनकी ब्रीड अच्छी नहीं होती है या प्योरिटी में नहीं रहते, उनको कास्ट्रेट करवा देना चाहिए, उनको बद्यकरण करवा देना चाहिए, ताकि वो क्या कि आगे जो अब तक जो बिगाड़ हो चुका है नस्लों का, वो तो ठीक है, अब उसको अपन क्या है कि पीछे भूतकाल में जाके सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय के लिए आगे हम उसमें प्रयास करके उसको सुधार सकते हैं। तो अब क्या है, तो अब ऐसे क्या है कि जैसे हमारे राजस्थान में क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि बहुत सारी गौशालाएँ हैं जो ऑलमोस्ट चंदे पे ही चलती है, समाज के द्वारा दान दिया जाता है सारे सर्व समाज की तरफ से, और जैसे मैं भी अपनी सामर्थ्य अनुसार हर वर्ष में कुछ न कुछ, जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ अच्छी गो सेवा हो रही तो वहाँ देता हूँ। तो अभी क्या है कि जैसे जो जहाँ पे मैं अपना बुल फ्री दिया है, जिस गौशाला को जिन्होंने अच्छा बुल दिया है, तो उन लोगों ने क्या है कि भाई कब हम आपका बछड़ा भी ले लेंगे, तो अब मेरे को क्या है कि मेरी आत्मा को ये संतुष्टि हो गई कि भाई ये जो अपना बछड़ा है, तो ये जैसे हमारे आंगन में खेल कूद के बड़ा हुआ, किसी कोने में बैठा है अपना घर समझ के, या अपने चौक में बैठा, और मतलब एक घर का एक पारिवारिक सदस्य की तरह इसको महसूस हुआ होगा, और एक दिन अचानक ये होता है कि हम इसको उठा के रोड पे छोड़ देते हैं, तो नैतिकता के नज़रिए से और अपनी मतलब आप देखें ना, हम ऐसा कर तो लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से या भगवान से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो कर्म मैंने किया है वो मुझे तो पता है ना। मैं झूठ दूसरे लोगों से जिनको पता नहीं उनके सामने मैं सच्चा बन सकता हूँ, लेकिन जो मैंने क्या किया है वो मुझे तो पता है ना कि भाई मैंने जो ये बछड़ा सड़क पे छोड़ दिया तो ये मेरी मतलब वो गलती है। तो एक अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो आपको बार बार जीवन के हर मोड़ पे कचोटती रहती है, तो ऐसा कार्य ही नहीं करें अपन। तो इसका क्या है, तो अभी हम गौशाला में वहाँ अच्छी परवरिश हो रही है तो गौशाला में दे देंगे, तो उसके बदले में जो मिठूड़ा है हमने तो मिठूड़ा भी दिया, तो उन लोगों का भी फायदा और हमारा भी फायदा, और हमें श्योरिटी है कि ये सड़क पे नहीं घूमेगा। ये भी तो मतलब गोपालन के क्षेत्र में आप उसमें जो ये अहिंसक दूध है, क्योंकि जो इनकी माओं का आप दूध लेते हैं और उसके बदले में आप उनके बच्चों को भी बेघर कर देते हैं, तो ये तो कहीं मेरे हिसाब से इंसानियत के नज़रिए से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों क्या इस विषय पे क्या है कि शुरुआत में मेरी भी इतनी जागरूकता नहीं थी, क्योंकि जब मैं काफ़ी छोटा था उस समय हमारे घर में गोपालन हो रहा था, तो हम कम गायें रखते थे, दो या तीन या चार गायें होती थी। तो उस समय क्या होता है कि जब बछड़े होते थे तो उस समय क्या होता है कि बैलों से भी खेती होती थी, और जो बैलगाड़ियाँ भी अगर चलती थी मैंने अपने बचपन में देखा, तो उस समय क्या हमारे पास व्यापारी लोग आते थे, और एक टाइम बाद में जब बछड़ा बड़ा हो जाता था, दूध छोड़ देता, उसमें वो बछड़े खरीद के ले जाते थे और वो मेलों में बिकते थे। हो सकता है कालांतर में बाद में कुछ बछड़े स्लॉटर हाउस में भी गए, क्योंकि वो हमें पता नहीं रहता था, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता कि हमारे क्षेत्र से इधर से ले जाके मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ से ले जाके मेवाड़ क्षेत्र में वो व्यापारी बेचते थे। और मेवाड़ में क्या होता है कि उनके खेत छोटे छोटे होने की वजह से वो ज़्यादातर बैलों से ही उनकी खेती होती है।
तो उस वजह से वो बेलों में यूटिलाइज कर लिए जाते थे। और लेकिन क्या कालांतर में जब धीरे धीरे बैल से खेती होना, ट्रैक्टर आ गया, मशीनीकरण का युग आ गया, तो अब इनके क्या इम्पोर्टेंस घटने लगी। तो उसमें क्या है कि जैसे जो बछड़े होते थे तो कई बार क्या होता है, गायें हमारी क्या है कि ऑलमोस्ट वर्ष भर गर्मियों को छोड़ के तो वो गोचर भूमि में चरने जाती थी, तो बछड़े भी साथ जाते थे। तो बछड़े क्या होते कि धीरे धीरे वो कई बार आते थे, कई बार नहीं भी आते थे, तो धीरे धीरे वो हमारे घर से कट जाते थे। ये मतलब होता था ऐसा। तो ऑलमोस्ट जब वो बछड़े होते तो उनका गोचर भूमि पर्याप्त होती थी, तो उसमें वो चर लेते थे और कोई समस्या भी नहीं होती थी, लोगों के खेतों में भी बिगाड़ नहीं होता था। लेकिन बाद में ऐसा होने लग गया कि अब गोचर भूमि भी हर जगह की अपनी अलग कहानी है, तो वो कहीं पे कब्जे हो गए, कहीं पे कुछ हो गए। ये हमारी सब मतलब एक मानव का लालच है, उस वजह से ही हुआ है। तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ उसके लिए, क्योंकि अगर मैं मानव की बात करता हूँ तो एक मानव समाज का मैं भी तो एक अंग हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उस समस्या के लिए मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। क्या होता है कि जब मैं कुछ वीडियो देखता हूँ जो लोग वेगनिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी आप मतलब मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खाइए, एनिमल प्रोडक्ट जो भी होते हैं, तो क्योंकि वो लोग इस बात पे जोर देते हैं कि जो डेयरी इंडस्ट्री है या गोपालन है उसमें क्या है कि उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, ये बछड़ों वाली बात है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं वो भी सही है इस बात पर, लेकिन अब इसका हमें क्या उपाय करना चाहिए मानवता के नज़रिए से जो अच्छा भी हो। तो उसको क्या है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे वो लोग प्रमोट करते हैं कि भाई ये सोयाबीन से मिल्क बना दो, चौलाई से बना दो, इससे ये भी मिल्क है वो है। तो मेरे हिसाब से तो जो दूध की परिभाषा है वो सोया मिल्क का जो गौमाता का नेचुरल मिल्क है उसमें कहीं आगे ठहरता नहीं। तो सिर्फ उस पर वो प्रोटीन वगैरह ये भी नहीं देखा जाता किस प्रकार का प्रोटीन है, क्या उसके पीछे भावना जुड़ी हुई है, कैसी उसकी सेवा है, ये भी बहुत सारे कारण हैं। तो अब उसका उपाय मेरे हिसाब से यही है कि आप ये इस प्रकार से करें, तो उससे क्या हो कि आपको बछड़ों की समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को सिर्फ गोपालन करने वाला ही नहीं, जैसे गोपालन की भावना रखने वाले, जैसे आप शहरों में रहते हैं तो अब आपके फ्लैट में रहते तो आप गोपालन नहीं कर सकते नेचुरली, क्यों न तो आपके पास जगह होती है, न गाय को रख सकते और न अलाउ होता है शहरों में, ये भी है। तो अब क्या है कि आप गोपालन कैसे कर सकते हैं, तो आप तो एक अच्छे गोपालक से जो उसको अच्छी प्रोडक्ट की कीमत दे के वो खरीदे, और दूसरा होता है जहाँ भी आपको लगे गौशाला आपके क्षेत्र में चल रही हो, जो आपको लगे कि भाई ये धान पे ही चल रही है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता है, करप्शन नहीं होता, तो समय समय पर जाके आप समय निकाल के, चाहे आप साल में 2-3 बार ही जाए लेकिन जाए ज़रूर, तो वहाँ जाके आप देखें कि वहाँ गायों की कंडीशन क्या है, बछड़ों नंदियों की कंडीशन क्या है, कैसी सेवा होती है, उस हिसाब से अपनी सामर्थ्य अनुसार आप वहाँ दान दे सकते हैं। उससे क्या होता है आप दान रुपये पैसों का दे, चाहे चारे का दे, चाहे गुड़ का दे, चाहे जो भी है अनाज का दे, वो आपकी इच्छा पे। तो उससे क्या होता है कि वो आपको गोपालन में ही आप सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये बछड़ों की समस्या है जो सड़कों पर घूमने वाली, तो वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से जो गौशालाओं में आ जाएंगे और उनके पीछे गोचर भूमि वापस मिल जाएगी, तो ये धीरे धीरे ये समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, इस विषय पे आपके क्या विचार है, आपके हिसाब से जो बछड़ों की समस्या है, मेरे हिसाब से तो जो क्योरिटी वाले बछड़े आते हैं उनकी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दें तो वो समस्या होगी नहीं, लोग आपसे मतलब हाथों हाथ ले जाएंगे। और लेकिन कई बार क्या होता है हमारी गलतियों की वजह से, भूतकाल की गलतियों की वजह से जो ऐसे बछड़े आ जाते हैं जिनको अब हम लंबे समय तक रख नहीं सकते या हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको कास्ट्रेट करना पड़ता है। तो अब ऐसे बछड़ों का क्या करें, गौशाला में डाला जाए, मेरे हिसाब से तो ये है जहाँ अच्छी सेवा होती है और जहाँ आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी दें, उनका सहयोग भी करें समय समय पर। और क्या इसके अलावा क्या उपाय हो सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, आपके विचारों का स्वागत है। और जो मेरे मन में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप उसको लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।